हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट कट केयर। सो आज का जो ये वाला एचडी लुक है मैंने ओलिविया पेन स्टिक से किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ओलिविया पेन स्टिक से हमें एक फ्लॉलेस एचडी मेकअप लुक मिल सकता है। सो फर्स्ट, अगर आप लेंस यूज़ करते हो तो आपको अपने हैंड को अच्छे से क्लीन करके लेंस को इस प्रकार से आपको अपने आईज में लगाना है। एंड मैंने यहाँ पे एक्वा लेंस यूज़ किया है। देन आपको अपने फेस का बहुत ही अच्छी तरीके से CTM करना है, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने यहाँ पे एल्स गुडनेस का टोनर यूज़ किया था पोर टाइटनिंग, एंड देन मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और समर का टाइम भी आ गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। और आपको नेक में, ईयर पे, फेस पे बहुत अच्छी तरीके से इसे मसाज कर लेना है। एंड CTM करने के बाद आपको अपने फेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ओके, देन फर्स्टली आई एम फिलिंग माई ब्रोज विद द हेल्प ऑफ दैट पाउडर आईब्रो किट। सो इफ़ यू कैन वॉन्ट टू प्रोफेशनल लाइक आईब्रो शेप, सो फर्स्टली आपको लाइन करना है अपने ब्रोज में ऊपर और नीचे साइड। और हमेशा डार्क ब्लैक कलर का यूज़ कभी नहीं करना है आपको, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक ब्राउन मिक्स करके आप हमेशा यूज़ कीजिए। तो मैंने भी यहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन को मिक्स करके एक डार्क ब्राउन कलर बना लिया है और उसे यूज़ कर रही हूँ। ऊपर और नीचे लाइनिंग करने के बाद आपको जो बचे हुए प्रोडक्ट हैं ब्रश में आपके, उसे सेंटर में उसे अच्छी तरीके से फिल कर देना है और बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगाना है प्रोडक्ट को। देन ये ब्रश कॉम की हेल्प से आपको आईब्रोज को कॉम कर लेना है अच्छे से ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग इनसाइड प्राइमर। ये बहुत ही बेस्ट प्राइमर है और ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसे अपने पोर्स, ओपन पोर्स एरिया पे और सारे जगह पे उसे फैला लूँगी अच्छी तरीके से। जहाँ आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ आप इसे थोड़ा प्रेस करके लगाइए, एंड जो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट आपके फिंगर्स पे हैं उसे आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। मैंने बीच में ही प्राइमर लगा लिया है, इसके बाद आगे आईब्रोज का काम करेंगे ताकि फेस जो है और थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। आपको सारे जो स्टेप्स हैं एकदम से नहीं करने हैं, आपको रुक रुक के करना है, इसलिए आप फेस को प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप अपने आईब्रोज को बनाइए। नाउ आई एम टेकिंग दैट NYBA कंसीलर एंड द फ्लैट ब्रश। एंड ये कंसीलर जो है मेरी स्किन से 1 से 2 शेड लाइट है। आपको 1 से 2 शेड लाइट कंसीलर यूज़ करना है ताकि आपकी जो आई शेडो हैं एंड आईब्रोज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से पॉप आउट हो, शार्प लगे। तो आपको अपनी आईब्रोज़ के जस्ट नीचे से ही इसे लाइन करते हुए जाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम प्रोसेस आपको ऊपर भी करना है, एक लाइन ऊपर भी आपको ड्रॉ करना है अपने कंसीलर और फ्लैट ब्रश की हेल्प से। एंड यू कैन सी गाइस, मैंने अपने पूरी आई लिड पर भी इसे अप्लाई किया है। आपको भी अच्छी तरीके से इसे अपने पूरी आई लिड पर कंसीलर को अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस मैं दूसरे आईज़ के साथ भी करूँगी। एंड गाइस, ये वाला जो मेकअप लुक है आप शादी पार्टी, इंगेजमेंट, इनफैक्ट ब्राइड को भी आप कर सकते हैं। इसे इतना अच्छा वाटरप्रूफ और HD बेस बनता है। सो डोंट स्किप द वीडियो, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। एंड लास्ट में आपको दोनों आईब्रोज को इस प्रकार से सेंटर में जॉइंट कर देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, आप इस प्रकार से जॉइंट कर दीजिए। अगर आपकी आपकी क्लाइंट की आईब्रोज काफ़ी छोटी है तो आप इस प्रकार से इसे मार्जिन कर सकते हैं, ऐसे नोज़ के पास ब्रश को रख के इस प्रकार से। तो आपको यहाँ कर्व देना है और यहाँ तक आपको आईब्रो बनानी है, ये आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसकी हेल्प से बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए और कंसीलर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड आपको यहाँ पे कंसीलर की ब्लेंडिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी है ताकि आपको बाद में क्रीज लाइन आने की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आई टेक कॉम्पैक्ट पाउडर, Lakme कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड सेट माई इंटायर कंसीलर। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपकी आई शेडो की ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, एक ही जगह स्टिक हो जाएगी। सो सेट योर कंसीलर विथ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। सो आज मैं अपना बहुत ही सेटल सा आई मेकअप करने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू माई ड्रेस एंड ज्वेलरी। सो मैंने यहाँ पे एक फ्लफी ब्रश लिया है और उससे डार्क ब्राउन शेड पिक किया है और उसे ब्लेंडिंग करूँगी। आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडिंग किस प्रकार से कर रही हूँ। आपको राउंड, अपसाइड, आउटसाइड, इनसाइड करना है और क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज आपको ब्रश को चलाना है बहुत ही हल्के हाथों से। कलर को आपको आई शेडो को एकदम से पिक नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके उसे बिल्ड करना है और यूज़ करने से पहले डस्ट आउट ज़रूर कर लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं वो डस्ट आउट हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे
फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इससे मैंने एकदम न्यूड ब्राउन शेड को पिक किया है और उसे अपने आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश को सामने से नहीं पीछे से पकड़ी हूँ और उस पर प्रेशर बहुत ही हल्का हल्का डाल रही हूँ। इससे आपके आई मेकअप में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए आप ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ें और बहुत लाइट प्रेशर डालें। नाउ आई एम यूजिंग शिमर गोल्डन शेड ऑन माई आई लिड्स। मैं अपने हाफ आई लिड्स पे इसे अप्लाई करूँगी। सो मैंने अपने दोनों साइड का अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी गाइस इट्स लुक वेरी स्मूद एंड सटल। अब मैंने यहाँ पे ओलिविया का पेन स्टिक लिया है शेड नंबर 07 जो कि येलो होता है। इसे मैं एज अ कंसीलर अपने फेस पे लगाऊंगी जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन है। एंड ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक आप इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं मेकअप करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन है तो आपके ये प्रोसेस जो है काम नहीं आएगा। एंड अगेन मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको ब्लेंडिंग में थोड़ी भी कंजूसी नहीं करनी है, प्रॉपर टाइम देके ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करोगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाने के बाद आपको लेना है यहाँ पे ओलिविया का पेन स्टिक शेड नंबर 03। यहाँ पे मेरा जो शेड है वो 04 है। 04 थोड़ा सा रोजी यानी पिंक टाइप का शेड है और 03 है जो वो पिंकी शेड उसमें नहीं है, वो मीडियम टू फेयर स्किन में चला जाएगा। ये अगर आपका वाइट पिंक अंडरटोन है तो आप 04 यूज़ कर सकते हैं। मुझे 03 नहीं मिला था इसलिए मैं यहाँ पे 04 यूज़ कर रही हूँ। और इसे यूज़ करने से पहले आपको इस प्रकार से रब करना है, देन अपने फेस पे इसके स्टैम्प लगाना है। ओलिविया का पेन स्टिक जो है ये आपको वाटरप्रूफ के साथ साथ फुल कवरेज भी प्रोवाइड करता है। आपको अपना सेल्फ मेकअप करना है तो बस आपको दो ओलिविया स्टिक की ज़रूरत है। एक 07 नंबर येलो जो आपकी कंसीलर का काम करेगा, जो भी पिगमेंटेशन है उसे हाइड करेगा, और एक शेड आपको चाहिए 03 या 04 जो कि आपकी फाउंडेशन का काम करेगा। अगेन मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। प्रॉपर टाइम देके ब्लेंड करना है आपको। आपको डैप डैप करके ब्लेंड करना है, फेस पे इसे रब नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से ब्लेंड कर रही हूँ, आपको वैसे ही ब्लेंड करना है। देन अपने मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अपने फिक्सर को मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे इस प्रकार से स्प्रे करूँगी और उसे अपने फेस पे डैप डैप करके पूरा लगा लूँगी। आप डायरेक्ट स्प्रे ना करें, इस स्प्रे मेथड का यूज़ करें, इससे आपका जो बेस है और भी ज़्यादा फ्लॉलेस और शाइनी बनेगा। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग हेयर NYB कंसीलर, डार्क कंसीलर फॉर कंटोरिंग माई फेस। इससे हमारे फेस को जो है एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक्स्ट्रा फैट को हम इसे कट कर सकते हैं। तो अपने ईयर के पास से आपको स्टार्ट करना है और अपने आईज़ जहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है वहाँ तक आपको कंटूरिंग करनी होती है। और मेरा फेस जो है वो ओवल है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करूँगी क्योंकि शार्प ही है, इससे और ज़्यादा मेरा फेस जो है थिन लगेगा। तो आपको जॉ लाइन के पास और चिक बोन पे अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है ताकि हमारी अगर डबल चिन की प्रॉब्लम होती है अगर तो इससे कट हो जाती है और हमारे जो चिक बोन्स हैं वो काफ़ी बाउंसी नज़र आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नोज़ कंटूरिंग होता है, आपको ये बहुत ही ध्यान से करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है और बहुत ही पतला सा कंटूरिंग करूँगी मैं यहाँ पर ताकि नोज़ को काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक मिले। और आपको फोरहेड पे इस प्रकार से कंटूरिंग करनी होती है तो इन इन जगह पे आपको जहाँ पे नीड है आप इसे कंटूरिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो है कंटूरिंग वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इसके बाद फेस कितना शार्प नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मैं NYB का कंसीलर यूज़ करूँगी अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो बिगनर्स का ये सवाल होता है कि हम फेस हाईलाइट क्यों करते हैं। फेस हाईलाइट के लिए आपको हमेशा या दो शेड लाइट कंसीलर यूज़ करना होता है और इससे जो फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस जो एक फ्लैट सा दिखता है तो हाईलाइटिंग करने से आपके फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, इसलिए हम फेस को हाईलाइट करते हैं। एंड आप देख सकते हैं मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है आपको यहाँ यहाँ कंसीलर लगाना होता है फेस को हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद आपको इसे ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, तुरंत से ही इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। एंड जिस एरिया पे आपने इसे लगाया है कंसीलर को आपको उसी एरिया पे लगाना है, पूरे फेस पे इसे अप्लाई नहीं करना है। देन यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करते रहना है और आप देख सकते हैं फेस कितना चेंज लग रहा है। देन आपको लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ आपको सेट कर लेना है अच्छी तरीके से ताकि हमारे कंसीलर में कोई भी क्रीज लाइन ना हो, वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए।
बाद मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ हमने फेस की कंटूरिंग की थी। अगर आपके पास ब्रॉन्जर नहीं है तो आप ब्राउन आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉन्जर का यूज़ हम अपने कंटूरिंग को सेट करने के लिए करते हैं एंड अपने फेस को थोड़ा और शार्प दिखाने के लिए करते थे। देन आई एम यूजिंग हेयर एन वाई बी ब्लश, और ब्लश को आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेना है और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना है, और एकदम से आपको बहुत सारा नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको लगाना है। एंड अभी आप पे मैं मास्टर क्रोम का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसे आपको डस्ट ऑफ करना है, देन आपके फेस पे आपको इसे यूज़ करना है ना। तो गाइस, आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं हमें इन पार्ट्स पे हाईलाइटर को अप्लाई करना होता है। मैं यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, एक डार्क शेड और एक लाइट शेड मामा अर्थ की। डार्क शेड का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे अपने लिप्स को लाइन करने के लिए। लास्ट में यहाँ पे NYB का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ एंड देन मैं अप्लाई कर लूँगी मस्कारा। यहाँ पे मैं फेक लैशेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मस्कारा के बाद यहाँ पे मैं छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से विंग लगा रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे एक पतला सा कॉर्नर क्रिएट कर लिया है। कॉर्नर के बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे काजल नहीं लगा रही हूँ, वाइट काजल का यूज़ कर रही हूँ। एंड अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश लिया है, फ्लफी ब्रश छोटा सा, और उसमें ब्राउन शेड लेके अपने आईज के लोअर लैश लाइन के पास में इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। इससे आपका आई मेकअप जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये रहा फाइनल लुक। तो आप इस प्रकार से ओलिविया का स्टिक यूज़ करके एक HD मेकअप कर सकते हैं। और आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।